द मास्टर प्रकाश क्लासेस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम पुनः प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में अपना अगला प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित लेखपाल भर्ती परीक्षा के समान अध्ययन के 25 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आपके भी देखते हैं कितने प्रश्न इसमें सही होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्न पे, जिसका पहला प्रश्न है, इंटरनेट के क्षेत्र में WWF का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये बताना है। कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को आप लोग भी करके बताते रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये बताना है, तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये WWF का फुल फॉर्म भी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जल जाल की अस्थाई कठोरता का क्या कारण है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कैल्शियम सल्फेट, ये इसका मुख्य कारण है, जो है जल का कठोरता का। तो इसमें कैल्शियम सल्फेट बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हीलियम उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता नहीं दर्शाता है, तो बताइए कि जो है प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता जो है कौन नहीं दर्शाता है, कौन सा तत्व, तो यही बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एल्यूमिनियम जो है ये प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता को नहीं दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चार देश के नाम ऑप्शन में लिखे गए हैं और पूछा जा रहा है कि जो है भूमध्य रेखा, जो हमारी पृथ्वी को दो भागों में जो रेखा बांटती है उसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, तो वो जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है यही बताना है, नहीं ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारी पृथ्वी का ऊपरी परत जो है ये किस शैल या मिट्टी से बनी है ये बताना है, तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। कमेंट करके अपने उत्तर को भी लिखते रहें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अग्नीय शैलों से बनी है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन है। तो अगला प्रश्न है, सामूहिक खपत से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो सामूहिक खपत का मतलब क्या होता है ये बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत जो होता है, सभी देश के जितने भी नागरिक हैं उनके द्वारा जो खपत होती है उसी को जो है सामूहिक खपत कहा जाता है, ठीक है, ये सामूहिक खपत की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है, तो ये बताना है किसको किया जाने वाला भुगतान जो है आर्थिक सहायता कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक जो है यूनिट जो है इसके द्वारा भुगतान किया जाने वाला जो है आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी होते हैं ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लोकसभा के जो है प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद समूह सामूहिक रूप से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशिक सिद्धांत की संकल्पना जो है कहाँ से अंगीकृत की गई है ये बताना है। कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपने उत्तर को लिखते रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा 60 नंबर में, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आयरलैंड और स्पेन से के द्वारा जो है इसको अंगीकृत किया गया है, ठीक है।
द मास्टर प्रकाश क्लासेस जो है, आप लोग इस चैनल को अपने मित्रों को भी बताइए जिससे कि उनको ये प्रैक्टिस सेट का जो है लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। तो इसको बताना है कि किस अधिनियम के तहत जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था, यही बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो है 1919 का अधिनियम जो आया था या था उसी में जो है बताया गया था कि एक जो है देश का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसमें परिसीमन के अधीन मतदान कराया गया था, ये बताना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल ऐसा राज्य था जिसमें जो है परिसीमन के अधीन मतदान कराया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर केरल होगा। अगला प्रश्न, संलग्नता की खोज किसने की थी, ये बताना है। तो इसमें 63 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैटेसन के द्वारा जो है संलग्नता की खोज की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रणाग के बीजागुणाधीनाधर जो है, ठीक है, प्रणाग के बीजागुणाधर पत्ते को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन 64 में कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बीजाणुधानी पुंज उसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, एक मिनट, चलिए पढ़िए, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है, ये बताना है। तो 65 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें स्थिर विद्युत विभव जो है इसका सोपानी परिमाण जो है होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक समान वेग वाला पिंड, ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पे है, कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को भी देते रहे। तो 66 में ऑप्शन नंबर आपका जो है सही हो जाएगा, वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्यों सही होगा, एक समान वेग होता है, एक समान वेग वाला पिंड जो होता है एक समान वेग उसमें होता है। ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आर एम एस ए का तात्पर्य क्या है, ये बताना है। तो 67 में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, तो ये राइट ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है, तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन कौन सा है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हेडलैंड जो है ये हमारा, ये तो विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है। ठीक है, तो इसमें सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो बीजापुर जो है किसके लिए जाना जाता है, तो सभी लोग जानते होंगे इसको। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि बीजापुर गोल गुंबद के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की संस्थापन जो है किसने किया था, ये बताना है। तो बताइए गदर पार्टी का संस्थापक जो है कौन है, तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसमें लाला हरदयाल जो थे ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, तो बताइए नीचे 4 जो जनजातियों के नाम लिखे गए हैं, तो उसमें से कौन सी जनजाति जो है बिजनौर जिले में निवास करती है, ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि माहीगिरी जो है बिजनौर में निवास करती है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सभी लोग जानते होंगे इसमें, तो दिया सलाई का प्रमुख उद्योग जो है कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है बरेली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बरेली जो है दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? देवा शरीफ में मेला भी लगता है, आप लोग जानते होंगे कि ये कहाँ पे स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाराबंकी में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये बताइए। तो 74 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गेहूँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, ठीक। अगर नकदी फसल की उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप लोग बताइए कौन सी हो जाएगी, नकदी फसल में ये गन्ना होता है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रमुख फसल की बात की जा रही है, नकदी की बात नहीं की जा रही है, इसलिए इसमें गेहूं जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा स्थित दयाल बाग किससे संबंधित है ये बताना है। तो आगरा में जो दयाल बाग स्थित है वो किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा है राधा स्वामी पंथ से ये जो संबंधित है, ठीक है। दोस्तों आगरा का जो दयाल बाग स्थित है वो क्या कहते हैं, स्वामी पंथ से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा प्रैक्टिस सेट आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको भी आप लोग कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ।